हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल सॉल्यूशन। दोस्तों, कोरोना वायरस के महामारी से पूरा विश्व परेशान है, हज़ारों लोग इससे मर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, इस ऐप की मदद से न केवल COVID-19 से आप अपडेट रह सकते हैं, बल्कि अपना और अपने फैमिली का बचाव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह COVID-19 से बच सके और इससे जागरूक रह सके। दोस्तों, ऐप में कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, साथ ही सेल्फ क्वारंटीन कैसे किया जाता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब दिया है। साथ ही इसकी PDF फाइल भी दी गई है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो यदि COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास है, तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। दोस्तों, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डेटा, लोकेशन और ब्लूटूथ हमेशा शुरू रहना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप संक्रमित एरिया में जाते हैं या संक्रमित व्यक्ति आपके एरिया में आता है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यह आगाह कर दिया जाता है। तो चलिए इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यह देखते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप को हमने डाउनलोड कर दिया है, आप भी इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या दोस्तों मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप चाहे तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, इसे ओपन किए बाद यहां पर अलग अलग लैंग्वेज दी गई है, तो हम अभी इस लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करते हैं और सिंपली इसे नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर कुछ नोटिफिकेशन स्लाइड दी गई है, यह कुल 4 स्लाइड है, तो चलिए पहले स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में बताया गया है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति COVID-19 से संक्रमित है। इसके अगली स्लाइड में दोस्तों, इसे इंस्टॉल करके ब्लूटूथ और लोकेशन स्विच ऑन करके अपनी लोकेशन शेयर करने को कहा गया है। और दोस्तों, अगली स्लाइड में बताया गया है कि जाने अनजाने में COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सूचित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, लास्ट और चौथी स्लाइड में यह बताया गया है कि इसे आप अपने फ्रेंड और अपने फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें COVID-19 से कैसे बचा जाए और उन्हें जागरूक कैसे किया जाए, यह बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे रजिस्टर करते हैं। तो सिंपली यहाँ रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेवा और शर्तें दी गई हैं, मोबाइल लोकेशन की, ब्लूटूथ की और डाटा शेयरिंग की। दोस्तों, इस ऐप को यूज़ करते वक्त आपको अपना लोकेशन हमेशा शुरू रखना पड़ता है, साथ ही आपका ब्लूटूथ भी शुरू रखना पड़ता है और डाटा शेयरिंग और आपका डाटा भी हमेशा शुरू रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं सहमत हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। यह आलो आरोग्य सेतु टू असेस योर डिवाइस लोकेशन, तो इसे आलो कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपका नंबर यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए मेरा नंबर यहाँ पर सबमिट कर। इसके बाद आपको OTP प्राप्त होगा। तो दोस्तों, OTP आ चुका है और यह ऑटोमेटिक OTP इसने ले लिया है। दोस्तों, यह ऐप शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर भी कुछ डिटेल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको आपका जेंडर क्या है वह बताना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे पुरुष सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर फिल करना होगा। मैंने मेरा पूरा नाम यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद इस एरो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी आयु यहाँ पर भरनी होगी। दोस्तों, इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, आप जो भी करते हैं, नर्स, पुलिस, केमिस्ट या जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा दोस्त, आप सिलेक्ट कीजिए। यदि इनमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इसे सिलेक्ट कर दीजिए। पिछले 30 दिनों में किन देशों में का भ्रमण, तो दोस्तों आपने किस किस देशों में भ्रमण किया है
वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसमें चाइना, इटली, यूएसए वगैरह दिया है, फ़िलहाल तो हम यहाँ पर नन करते हैं और इस एरो को क्लिक करते हैं। यदि आप वॉलेंटियर है और सेवा करने में रुचि है तो सिंपली इसे हाँ कर दीजिए। सबमिट की पुष्टि करें तो सिंपली दोस्तों हम इसे सबमिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबमिट हो चुका है। यहाँ 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, तो चलिए इस टेस्ट में क्या क्या पूछा गया है वह देखते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर पुरुष सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी एज डालनी है, इसके बाद क्या आप नीचे दिए हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। यदि आपको कुछ लक्षण इसके दिखाई देते हैं तो सिंपली उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं चौथा नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नेक्स्ट पूछा है उसने, क्या आपको कभी नीचे दिए हुए रोगों में से कुछ भी कभी हुआ है। यदि आपको मधुमेह, डायबिटीज़ या हाई बीपी, फेफड़ों की बीमारी या फिर दिल की बीमारी हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे हो। दोस्तों इसके बाद उसने पूछा है कि आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। यदि आपने की होंगी तो इसे सिंपली हाँ कर दीजिए, फ़िलहाल तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से आपके लिए लागू होते हैं। तो दोस्तों पहला तो इसमें दिया है आप पॉजिटिव व्यक्ति से मिले हैं, या फिर दूसरा दिया है दोस्तों क्या आप स्वस्थ कर्मचारी हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे इनमें से कोई नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यह हमारी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैसेज भी आ चुका है। तो दोस्तों हमारा रिपोर्ट यहाँ पर आ गया है, इसमें दोस्तों हमारे संक्रमण का जोखिम कम बताया गया है, साथ ही हमें घर में रहने को कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ सूचनाएं भी दी गई है, जैसे सोशल डिस्टेंस कैसे रखना चाहिए, दूरी कैसे बनाना चाहिए, और दोस्तों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे PM केयर्स का नंबर भी दिया गया, आप चाहे तो यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस ऐप को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली सबसे ख़ास बात यह है कि आप जो भी अपनी डिटेल दे रहे हैं वह सही और सच्ची हो, तभी यह ऐप्स कारगर साबित होता है। तो दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ यह ऐप शेयर कीजिए और उन्हें समझाएं कि यह ऐप की मदद से उन्हें कोरोना की सही और सटीक जानकारी मिल सकती है, किस तरह से वह इस भयानक महामारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते अगले वीडियो में। गुड बाय।